श्वेतांबर मूर्ति पूजक स्थानकवासी तेरा पंथी ये तो है। अब मैं सोचता हूं इससे ऊपर उठकर जैन अजैन से भी ऊपर उठकर हम मनुष्य हैं और मनुष्य धर्म का जो नित्य क्रम है करुणा प्रेम दया अहिंसा और अपनापन इतना भी आ जाए तो काफी है, हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं इस तीर्थ को बनाने के लिए। देखो ये हमारे भट्टारक जी तमिल में बोल रहे थे, ये सब भट्टारक यहाँ कई वर्षों से प्रेम से आते हैं, ऐसे कई दिगंबर मुनियों, कई दिगंबर मुनि मेरे मित्र हैं अच्छे, आचार्य देवनंदी जी लोगों के आचार्य, कई प्रसन्न सागर जी लोगों के कई आचार्य यहाँ आते हैं हमारे पास, बड़े प्रेम से आते हैं। इन्होंने दो चीजें बताई थी, एक तो 150 वर्ष पुराना उनका जो लकड़ी का जो रथ बना था 51 फुट का, वो रथ बिल्कुल खराब हो गया था। वो जब मेरे पास आए वो बात बोल के वो दुखी हो रहे थे। मैंने उस समय उनको आज से 12 साल पहले कहा था, रथ में बैठने वाला महावीर है तो वो महावीर दिगंबरों का है कि श्वेतांबरों का है वसंत विजय ये नहीं देखता, वो महावीर है इतना ही देखता है। और उस रथ को पुनर्निर्माण करने में पूरी व्यवस्था कृष्णगिरी तीर्थ से हुई। आज वो रथ धूमधाम से महावीर जयंती के समय में वहां बरगोड़ के साथ निकलता है। बाद में पूरा मंदिर, देखिए इनका मंदिर बहुत प्राचीन है, कभी कांचीपुरम जाना पड़े, कांची में पल्लव राज्य, जब पल्लव राजाओं का जब राज्य हुआ, कांचीपुरम 3 भागों में बट गया था, शैव कांची, विष्णु कांची, जिन कांची। ये जो भट्टारक जी यहाँ बैठ रहे हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उस जिन कांची मठ के पीताधीश बन के उस गादी को संभाल, वो प्राचीन चिंतामणि पार्श्वनाथ की भव्य विग्रह को मैंने कई बार देखा है, मेरी आत्मा में वो विग्रह हमारे प्राचीन जिन शासन के इतिहासों का आज भी एक गुंजायमान हवा को मेरे कान में देता। ऐसे परंपरा चिंतामणि पार्श्वनाथ का पूरा मंदिर में कई प्रकार की तकलीफें, करंट नहीं कई, तो हमने हमारे जो कीर्ति भाई यहां चेन्नई वाले बैठे हैं, कहां बैठे हैं भाई, उन्होंने पूरी व्यवस्था की और मेरी प्रेरणा से श्री जिनकांची की जो चिंतामणि पार्श्वनाथ का दिव्य चैत्य है उसका संपूर्ण विद्युतीकरण कृष्णगिरी तीर्थ से हुआ है, संपूर्ण संकुल। तो वही बात वो तमिल में बोल रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने ये बात को दोबारा नहीं बोलते हुए ट्रांसलेट किया है, उसको मैंने ट्रांसलेट किया कि वो क्या बोले ताकि आपको उसका समझ आए। दूसरी बात है हमारे प्रिय, आज पहली बार मिलना हुआ, लेकिन कभी कभी कोई मिलन ऐसा होता है जिस मिलन के बाद हमको समझ आता है कि ये तो मेरा पुराना आदमी है, ये तो मेरा परिचय का आदमी है, ये मेरे पहले ही मिला हुआ है कहीं, ऐसे कोई पूर्व जन्म का संबंध हो या कोई प्रेम हो या वात्सल्य हो, ऐसे वात्सल्य मूर्ति खरतर गच्छों के चारों दादा गुरु। मैं आपको बताऊं कि इधर मैं जन्म से स्थानकवासी हूं लेकिन मेरा जन्म छाजेर गोत्र में हुआ है, जो खरतर गच्छ के आराध्य परम पूज्य जिन कुशल सूरी जी महाराजा का मैं वंशज हूं, इसलिए मैं खरतर गच्छ का भी पियर का नाता रखता हूं पूरी तरह। और खरतर गच्छ के दादा गुरुओं में सर्वोत्तम चारों दादा गुरुओं में एक गुरु जिन चंद्र सूरी जी महाराजा जब यति थे, उनकी परंपरा से, उस परंपरा से जो गद्दी बीकानेर में आई, उस परंपरा के गच्छाधिपति बन करके उस यति, उस आचार्य परंपरा को, उस दिव्य परंपरा को सम्मान से संभालने वाले हमारे श्री जिन चंद्र सूरी जी महाराज आज गच्छाधिपति यहाँ बीकानेर से पधारे हैं। मैंने आज तक तो महाराज बीकानेरी भुजिया को ही ज्यादा माना था, आज से आपको मानूंगा। या कोई सोचते हो तो बीकानेरी भुजिया गली याद आवे नहीं थाने, लेकिन आज से महाराज को याद करना, और सहस्राब्दी चल रही है खरतर गच्छ परंपरा की सहस्राब्दी। मैंने अभी पिछली बार बसवनगुड़ी में खरतर गच्छ खरा हुआ, इसलिए वो खरतर गच्छ हुआ, उस इतिहास का बहुत सुंदर मैंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विशाल रूप से बसवनगुड़ी बेंगलोर में कहा था, जब मैंने खरतर गच्छ का संपूर्ण अति से इति तक का इतिहास समझाया था। ऐसे खरतर गच्छ के
विशेष सम्माननीय श्री पूज्य जी श्री देखिए, एक तो पूज्य होते ही है, ये तो परम पूज्य होते हैं, लेकिन ये बनियों को अगर बोलो कि इस थाली में सम्मान रखो और इस थाली में सम्मान के साथ धन रखो, क्या लेगा आप, क्या लोगे? हाँ, पूज्य सम्मान है, श्री पूज्य धन के साथ सम्मान। श्री यानी लक्ष्मी है, जिनके नाम पर श्री पूज्य इसलिए लगता है, जिन परंपरा की संयम से लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर के उस अनुयायियों के जीवन में समृद्धि के साथ सम्मान देती है, ऐसे श्री पूज्य जी महाराज जब हमारे साथ आए हैं तो इस मंच की शोभा आपसे बढ़ गई, आपके प्रेम से मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ गई, आपके भावों से मेरे दिल में आगे बीकानेर से संबंध रखने के भाव बढ़ गए, और देखने वाले सभी इन संतों को देख करके विनय वंदन करने की श्रद्धा बढ़ गई। ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करने जिस समाज को प्रेरित करते हैं, ऐसे विराजित समस्त संतों को, भट्टारक जी को, हमारे खास करके भोले बाबा पंकज मुनि, जिन्होंने अपने गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब की, हमारे वरुण मुनि अपने गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब की अखूट सेवा करके, दिवाकर प्रकाशन आपने आगरा का नाम सुना हो तो जितने आगम प्रकाशित हुए हैं सभी आगम चित्रमय इंग्लिश और हिंदी में अनुवादित, ओ समस्त आगमों के मूल कर्ता हमारे इन पुण्यशालियों के गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब है, जिन्होंने अपना नाम इस आगम ग्रंथों के माध्यम से शाश्वत रूप से अमर किया। आज भी उन पुस्तकों के, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कोई प्रशंसा से, जब मैं साधक अवस्था में था तभी से आगम जितने भी आपके छपे हैं उन सभी आगमों को मैंने श्रावक अवस्था में साधक अवस्था में पारायण किया। आज भी मेरी लाइब्रेरी में दिवाकर से छपे हुए अमर मुनि जी के सभी आगम ग्रंथ उपस्थित हैं। ऐसे पुण्यशाली संत परंपरा से जो आप सब पधार के कृष्णगिरि तीर्थ को शोभायमान कर रहे हैं, वैसे इस तीर्थ में एक वर्ष में कम से कम 300 से 400 साधु साधवी यहाँ साधना सीखने या साधना करने या अपने मनोरथ के हिसाब से नौकार मंत्र पार्श्वनाथ की आराधना या ध्यान साधना करने पहुंचते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस तीर्थ में आज तक मैंने 1300 साधु साधवियों को मंत्र दीक्षा दिया है और 7000 साधु साधवियों को आज तक मैंने इस तीर्थ में स्वागत किया है। ये मेरा सौभाग्य, तो इस परम सौभाग्य का कारण बना ये पार्श्वनाथ की कृपा। ये तीर्थ बिल्कुल जब खुला पड़ा था, कंपाउंड भी नहीं था, सांप बिच्छू घूमते थे, न विद्युत था न यहाँ कोई एक ईंट था, तब देवी के संकेत से इस जगह पर कुछ निर्माण करने का आदेश हुआ कि शुक्रवार व्रत कथा अनंतों सहस्र समय से पहले यहीं से चालू हुआ था, ऐसे मुझे समझ में आया। फिर इस जगह का शोध हुआ, शोध के बाद जो व्यवस्थाएं बनी, आज आप कृष्णगिरि नाम का तीर्थ देख रहे हैं। इस पुण्यमय तीर्थ की स्थापना में जितने लोगों ने आज तक सहयोग किया है, जितने लोगों ने दिल से भाव से कृष्णगिरि को अपना माना है, आज के इस पुण्यमय वेला में उन सबको मैं धन्यवाद देना प्रथम मेरा कर्तव्य समझता हूँ। आप सब भाग्यशालियों ने जिस प्रकार से भी मुझे अपनाया, इस तीर्थ को अपनाया, इस तीर्थ की पद्धतियों को अपनाया, क्रिया में ज्यादा जोर न लगाते हुए, विशिष्ट प्रकार की कट्टरता में ज्यादा जोर न लगाते हुए, आत्म ध्यान आत्म साधना और पवित्रता ही धर्म का मूल है। जिस प्रकार से कृष्णगिरि तीर्थ से ये हवा उड़ा, आसपास के 80,000 परिवार आज कंद मूल मांसाहार त्याग करके साकारी हुए हैं, ये कृष्णगिरि तीर्थ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिसंबर महीने से फरवरी महीने तक हम 48 दिन के ये हिंदू लोगों को, ये जो तमिल भाषी लोगों को पद्मावती का व्रत कराते हैं, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। दिसंबर 15 तारीख को जो यहाँ मेला लगता है, फरवरी 15 तारीख तक लगता है, जैन धर्म में जितनी संख्या है चारों संप्रदाय की, उससे ज्यादा लोग, करीबन 70 लाख लोग ये 3 महीने में कृष्णगिरि आके दर्शन करते हैं, तमिल भाषी लोग। ऐसे पावन तीर्थ की पुनितमय वेला में पारस चैनल में इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण के द्वारा देखने वाले जितने दर्शक मेरे प्रिय भक्त, आज आप लोग मुझे नवग्रह चैनल में, पारस चैनल में, अरिहंत चैनल में, संस्कार चैनल में रोज 365 दिन देख रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं जुड़ा हूँ। आज के इस पवित्रमय मेला में मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप सबके स्नेह और सहयोग से
हमारा ये मिशन ऑफ प्रेम ये सदा बना है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मार्च 5 को मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ था, परम पूज्य प्रताप राय माँ रतनबा के पुत्र मेरे प्रिय प्रेम सूरी महाराज के बारे में एक ही शब्द बोलूंगा। साधुओं के संसारी मैंने ज्यादा किसी का निकट नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव को निकट से देखा है। 100 वर्ष आज उनकी उम्र पूरी होने जा रही है। इस 100 वर्ष में एक बार भी किसी पर गुस्सा नहीं किया जीवन में, ऐसा एक महाशक्ति है तो मेरे गुरुदेव। आप ये असंभव है, आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम एक दिन में 10 बार गुस्सा करते हैं। और हमारे गुरुदेव को मालूम था कि ये नालायक आया है कि ये लायक, क्योंकि परम साधक सिद्ध पुरुष प्रेम सूरी जी महाराज के चरण के धूल को लगा के बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता में कितने अरबों पति बने। खाली उनके चरण का धूल लगने मात्र से व्यक्ति सिद्धिवान समृद्धिवान हो जाता था। ऐसे मेरे गुरुदेव की श्री चरण की उपासना से मुझे दीक्षा मिली और ये वोगा मिला, ये धर्म का शासन को कुछ संबोधित करने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही हमारे गुरुदेव की ये शताब्दी वर्ष को आज मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखना, आज मैं शुरू कर रहा हूं। ये वर्ष भर अनेकों गौशालाओं में सेवा करना, मंदिरों में शुश्रूषा करना, धर्म की प्रेरणा देना, ऐसे करते करते पूरे वर्ष में मेरे गुरुदेव की आराधना साधना में निश्चित लगा रहूंगा और हो सके जितना मेरे गुरुदेव की भक्ति करके जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करूंगा। हमारे वरुण मुनि जी महाराज साहब ने बहुत श्रम लेके इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सोच के कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे अनेकों बातों से इस स्थान को, इस कृष्णगिरी को अपना मान के बहुत सेवा किया। मुनि जी महाराज साहब जब से आए हैं सुबह से रात तक साधना में लगे हैं, साधना मूर्ति बन गए हैं। अनेकों पुण्यशाली संतों के पदार्पण से आज आचार्य चंद्रजीत सूरी जी महाराज अभी आने वाले थे, लेकिन रास्ते में बहुत दूरी होने के कारण रास्ते में रुक गए, कल सुबह वो यहाँ पहुंचेंगे। संतों का पदार्पण से सौभाग्य है। मेरे हृदय के स्नेही सरल मना वज्र तिलक विजय जी महाराज साहब भी यहाँ पहुंचे हैं और वो पुण्यशाली आत्मा है जो जब जब समय पड़े पहुंचता है और अपने पुण्य को सदा वृद्धि करता रहता है। और हमारे पंजाब की साधुवियां, पंजाब वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, कारण क्या है पता नहीं, लेकिन पंजाबी लोगों का एक वीडियो देखा मैंने जिसमें गुरुद्वारे पर एक व्यक्ति बिंस कार में उतरता है और उतरते ही गुरुद्वारे के बाहर रहे हुए चप्पलों को वो साफ करके सेवा दे रहा है। पंजाबियों के हृदय में, खून में, रग रग में सेवा भरा हुआ है और सेवा सीखना है तो पंजाबियों से सीख सकते हैं। और तो पंजाबियों पर विशेष प्रेम रहा है। हमारे साधु जी महाराज परम पूज्य निधि ज्योति जी और साथ उनके शिष्य गणी सबको मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं कि कृष्णगिरी तीर्थ में आपका पधारना हुआ। हजरत लेके उनके दरबार में आने वाला चाहिए, हाथ तो उनके सामने फैलाने वाला चाहिए, अरिहंत को पाने वाला चाहिए। क्या नहीं देते ये पार्श्वनाथ दादा, इनके सामने लेने वाला चाहिए। जय हो। मैं कहना चाहता हूं साधु जी महाराज साहब के, आप खाली नहीं जाओगे, ये झोली भरने वाला धाम है, यहाँ आए हैं, आपकी भी झोली भरेगी। यहाँ हमारे संसद जी, मेरे बड़े प्यारे, ये संसद जी को आप देखो कैसे चमक रहे हैं। आपको बता दूं, ये संसद बनने से पहले संसद बनने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे, क्योंकि एक संसद बनना इतना आसान नहीं, 100 लोग लड़ते हैं तो कोई एक बनता है। इन्होंने 3.5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक बोलो, 3.5 वर्ष तक अखंड शुक्रवार का दर्शन किया है मेरे पद्मावती, 3.5 वर्ष अखंड पद्मावती का किया उन्होंने आराधना। जयललिता ने चला के बुला के उनको पदवी दी और आज राजा के समान घूम रहे हैं। जहां मां का मेहर वहां लीला मेहर, उसका उदाहरण हमारे संसद जी। बंदुरकुम
உறுப்பினர் அசோக் குமார் அவர்களே, உங்களுடைய வருகை நல்வரவாக வேண்டும் என்று நான் அம்பாலை வேண்டுகிறேன். இந்த இக்கட்டான சமயத்திலே கூடிய சீக்கிரமே நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரவிருக்கும் நேரத்திலே தாங்கள் இங்கே வருகை புரிந்துள்ளீர்கள். நான் இப்ப இந்தியில சொன்னது என்னன்னா, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி தவறாம வெள்ளிக்கிழமை இங்க கோயிலுக்கு தரிசனம் பண்ணுவாரு, அந்த தரிசனம் தான் அசோக் குமார மாவட்ட செயலாளராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மாற்றியிருக்குன்னு நான் ஹிந்தியில சொன்னேன். அந்த அம்பால அம்மான்னு கூப்பிட்ட ஒளி வருவாய், ஓ அம்மா, அம்மாவின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒளிமயமாகவும் அருள்மயமாகவும் இருந்தது. இப்ப அவங்க இல்லை. இங்கே இருக்கிற எங்க பத்மாவதி தாயாரையும் அம்மா அம்மான்னு சொல்லி ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கும் பெரிய தெய்வீக பக்தி உண்டு. தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் சைடு எந்த கோயிலில் போனாலும் அவங்க கையால் தான் திருப்பணி எல்லா கோயிலுக்கும் நடந்திருக்கு, கல்வெட்டு பார்க்க முடியும். அப்பேற்பட்ட அம்மா இன்னைக்கு இல்லைன்னாலும் நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதிமுக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜொலிக்கக்கூடிய வெண்கோடியை உயரமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதை எப்பவுமே கீழே இறங்காமல் காப்பாற்றுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில் உங்களை வாழ்த்துறேன். இந்த முதல்லேருந்தே நாங்கள்லாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் படம் பார்க்கணும்னு ஓடுவோம். அந்த ஆசை அப்பருந்தே தானாகவே, அந்த இப்போ நான் சன்னியாசியாக மாறினால அடிக்கடி பார்ட்டி பற்றி பேசினா நல்லா இருக்காது, இருந்தாலும் ஏடிஎம்கே மேலே முன்னிருந்தே ஒரு பாசம் உண்டு. அந்த பாசம் தான் நீங்கள் வரும்போதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வைக்குது. நிறைய வளரணும் வாழணும்னு வாழ்த்தி உங்களை நிறைய ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆண்டவன் உங்களுக்கு நல்லதெல்லாம் கொடுக்கணும். ஆயே உங்கள் சித்தனே புண்ணியசாலி ஆத்மாவும் ஆப் சப்கே பதார்ப்பம் சே ஆஜ் கா தின் பகத் சுந்தர் ஹுவா. ஜித்தனே பி லாபார்த்தி பரிவார் ஹே, ஆஜ் கே துபர் கே நவகார் ஜி கே லாபார்த்தி, சங்குலால் ஜி காந்தி, ஷாம் கே லாபார்த்தி, திலீப் ஜி பாக்ரேச்சா, வார் விகாஸ் பை பன்சாலி, சென்னை பரிவார் ஓர் ஜித்தனே பி லோகோ நே விபின்ன பிரகார் சே காரியக்ரம் மே லாப் லியா ஹே, உன் சப்கோ கூப் கூப் மேரா சாதுவாத் தன்யவாத் ஆசீர்வாத். ஓர் அப் ஆஜ் மேரே போல்னே பகத் இச்சா தி கே பகத் சாரா போலூ, மேரீ கானி போலூ, ஆப்கி கானி சுனூ. लेकिन हम सब मिलके, आप सब कौन कौन रात में कम से कम 10 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं, कम से कम 10 बजे तक, वो जरूर मेरे जीवन की एक अच्छी सी 2 घंटे का एक नाटक है, जरूर देखना। आपको समझ आएगा कि जब पुण्य बढ़ता है, मुझे काशी के एक संत ने आकर्षित करके अपने 44 वर्षों की साधना की सिद्धि शक्तिपात के रूप में मेरे में प्रवेश कराया, जो करपात्री जी महाराज के शंकराचार्य शिष्य थे, जो 33 वर्षों तक केदारनाथ में, 11 वर्ष तक उन्होंने बद्रीनाथ में साधना की, वो 44 वर्ष की श्री विद्या की साधना बगैर कोई पाठ किए मुझे 30,000 मंत्र आज याद है, उनकी कृपा है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में सहयोग बनते गए। जंगल में गया था, मशान में गया था, बक्सर के रंजन जी नाम के एक साधक मिले, जिन्होंने भैरवी चक्र साधना और भैरव साधना का विवेक दिया मुझे, में जागृति हुई। बनारस के मशान घाट पर पहुंचा तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ मेरे गुरुदेव भटुकनाथ जी शास्त्री मशानवासी मुझे मिले और भैरव को प्रत्यक्ष करने की साधना दी। आचार्य दिगंबराचार्य कुंटू सागर जी महाराज साहब के पास जब मैं भैरव पद्मावती कल्प की साधना के विमर्श कर रहा था, तो उन्होंने अपनी परंपरा की पद्मावती को प्रत्यक्षीकरण करने का मंत्र का सलाह दिया। बाद में देवी की कृपा हुई, संकेत मिला, 6,00,000 कमल पुष्प 60,000 आहुतियों से 1,00,000,000 बार कुंकुम अर्चन करके 30,000 किलो मेवे से मैंने भगवती का एक हवन करके 7,000 किलो घी से भगवती का एक हवन करके इस तीर्थ को ऐसा सिद्धमय भूमि बनाया जहां 7,000 साधु साध्वी आज तक साधना कर चुके हैं। इस पवित्रमय धाम की इतिहास को गाऊंगा तो स्व प्रशंसा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आज शाम को हमारे बीच मेरे प्रिय भक्त, आप कितने पिक्चरों के म्यूजिक डायरेक्टर और जिनको आपने हरदम देखा होगा, ऐसे शिवमणि जी का कार्यक्रम, वो हर बार आते हैं मेरे ध्वजा पर या जन्मदिन पर या गुरु पूर्णिमा में, फिक्स है उनका आना। और आज खास करके डायरा जो गुजराती में होता है उस पर लोग लाखों रुपया उन पर न्योछावर करते हैं, मेरे
दीक्षा पर संकेश्वर में उस्मान मीर जी आए थे कई वर्षों पहले। उस दिन उन्होंने जो गजल सूफी और डायरे का जो महफिल बनाया था, वो मैच्योर्ड लोग जो परिपक्व हो चुके हैं वो ही समझ पाते हैं। ऐसे डायरे का कार्यक्रम रात में होगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उस्मान मीर जी को लाने में मेरे प्रिय पुत्र परेश भाई ठक्कर गांधीधाम वाले एक बार खड़े होंगे। उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास करके बड़े लंबे से, आप देखोगे कि उनको टीवी में उस्मान मीर को एक गाना गाता है, 10-10 नोट की गड्डियां उस पर फेंकी जाती है। ऐसा आदमी को लेके आए परेश भाई, उनके लिए जोरदार तालियों से अनुरोध। आज इस आयोजन के विशेष उपलब्धि में, उपलक्ष्य में, आप सबने मिलकर मुझे सर्वधर्म दिवाकर पद से सम्मानित किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं उस सर्वधर्म शब्द से, क्योंकि मेरा पूरा जीवन का लक्ष्य ही वही रहा सर्वधर्म। लेकिन ये दिवाकर को मैं नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप आपके इस पद को मैं सर्वधर्म सेवक के रूप से जरूर मान लेता हूं कि मैं सर्वधर्म का सेवक हूं और मैं सर्वधर्म की सेवा करना चाहता हूं। और जब जब सेवा का मौका पड़े, इस बेटे को भी थोड़ा अवसर देना, गौतम मुनि जी महाराज साहब, विनय मुनि जी महाराज साहब को कहता हूं, उम्र में भी आप बड़े हो और जन्म से भी आप, मैं जिस परंपरा को मानता हूं उस परंपरा के नायक हो, तो जब भी मौका पड़े मुझे याद करना। गिलहरी के रूप में नहीं, वो रामायण में आता है गिलहरी सेवा करने वाला, मैं शेर के रूप में आपकी सेवा करूंगा, आप ध्यान रखिए। और ललिता जी चौगड़ जिन्होंने 1290 पंक्तियों की कविता बना के मेरे नाम को वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले जाने का जो प्रयत्न किया है, उनके लिए आप जरूर जोरदार ताली बजाना, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को बॉम्बे में बैठे बैठे टीवी में देख रहे होंगे, उनको मेरा आशीर्वाद है। और जितने लोग एक ही वस्त्र में बैठे हैं, हमारे कोयम्बतूर के श्री ओबानी परिवार, प्रवीण भाई ओबानी कहां पर हैं, और साथ में ही हमारे विमल भाई सांकला परिवार, इन्होंने पूजा वस्त्र और ये साड़ियां एक सरीका बना के पूरे भक्तों में बांटने के लिए बड़ा प्रयास किया। ये रेमंड का कपड़ा है, कोई आप समझना मत के कोई काटन नाइलॉन का कपड़ा है, प्योर रेमंड शोरूम से कपड़ा साधारण मंगा के इसको प्रिंट किया गया डिजिटली, और 3 दिन में यह पूरा होकर यहाँ पहुंचा है सूरत से। ये प्रयास के लिए धन्यवाद है उनको, जिन्होंने भक्तों को दे लेकिन अच्छा देना चाहिए ऐसा सोच के रेमंड का कपड़े तक का उपयोग कराया। इसका उपयोग जरूर अच्छे से लेना, जब भी मंदिर जाओ, पूजा करने जाओ अच्छे काम में, लेकिन जब भी कृष्णगिरी आओ इसी वस्त्र में आना, क्योंकि इस मिलिट्री कैंप में अगर यूनिफॉर्म में आओगे तुम भी अभिनंदन बन जाओगे, करोड़ों पाकिस्तान को अपने आप हरा सकोगे। तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद। मैं अब एक छोटे से मंत्र पाठ से इस कार्यक्रम को पूरा करूंगा, क्योंकि शाम को मैं बोलने वाला नहीं हूं। नाटक होगा, संगीत कार्यक्रम होगा, दुनिया भर का कार्यक्रम, विशेष श्री पूज्य जी से निवेदन करूंगा कि उस नाटक को देखने के जितना अवसर हो तो जरूर आप देखें, जिससे मैं क्या तुच्छ चीज हूं आपको जरूर समझ पड़ जाए। और हमारे विनय मुनि जी महाराज साहब ने पंद्रिया का यंत्र दिया है, और हम सब यंत्र मंत्रों में ही रमे रहते हैं, ऐसे साधक हैं। पंद्रिया यंत्र के बारे में मुझे याद आता है कि मेरी बेटी कोमल जब बहुत छोटी थी तो उस समय में वो बात बात में रात में डरती थी और रोती थी। जब देवी का प्राकट्य मेरे हृदय में नहीं हुआ था, मैं साधक नहीं था, श्रावक था, उस समय में मेट्रोपालियम में पंजाब क्षेत्र के उत्तर भारत के उप प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास चल रहा था, और मुझे उस तरफ जाने का मौका पड़ा। मैंने कहा कि महाराज ऐसे बच्ची रोती है, वो रात भर दुखी होती है। उन्होंने बताया कि तिजई पहुत स्तोत्र का पाठ पंद्रिया यंत्र को साथ रखने से सभी पीड़ा मिट जाएगी। तो इस कृष्णगिरी को और समृद्ध बनाने के लिए उस समय में जो सुमन मुनि जी महाराज साहब ने जिस पंद्रिया यंत्र का एक हमारे सामने प्रस्ताव दिया था, उसी पंद्रिया यंत्र को आज विनय मुनि जी महाराज साहब कई वर्षों बाद मुझे देखे
कह रहे हैं कि कुछ हमारे भक्तों के बच्चे कुछ पीड़ा हो तो वो इस पंद्रिया यंत्र से निकल जाएं और सबका मंगल हो जाए। तो एक बार जोर से तो ताली बजा, भूख लगी लगता है। वैसे तो आज चतुर्दशी है, लेकिन आप सबको ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे जीवन के कुछ सिद्धांतों को आज शिथिल किया। भाई भले चतुर्दशी हो लेकिन हमारे श्रावक भोजन प्रिय भी हैं। क्या हैं? भजन प्रिय तो हैं लेकिन श्रावक होने से भोजन प्रिय भी हैं। तो अभी जल्दी भोजनशाला जाना है तो उसमें भी समय हो रहा है। मैं एक छोटा सा मंत्र पाठ सुना रहा हूं जिसमें करीब 120 बीज मंत्र है। कहते हैं कि यह पटित सिद्धा मंत्र स्वयं पद्मावती ने अपने आराध्य साधक आचार्य देव को दिया था कि जहां भी इसका पाठ होता है उसी समय देवी अदृश्य रूप से कृपा बरसाती है। लेकिन यहां तो वो प्रत्यक्ष रूप में कृष्णगिरी में विराजमान है। रुक्मावती को शुक्रवार की व्रत कथा और प्रत्यक्ष दरिद्रता निवारण करने वाली इसी क्षेत्र में बैठ के ऐसी पद्मावती के धाम में ये पाठ को मैं अपने 50वें आज के दिवस के उपलक्ष में आप सबको मैं पुरस्कार के रूप में भेंट कर रहा हूं। आप जरूर इसको सुने। ऐसे पाठ को सुनोगे जरूर आपका जीवन सफल होगा। साथ में हमारी तप सूर्या साधिका इधर है, दक्षिण सूर्य उधर है, उनकी शिष्या तप सूर्या। एक सूर्य है तो एक सूर्या है, क्योंकि इन्होंने बताया अहम ब्रह्मास्मि के बाद तत्वमसी ही बात बैठता है। अहम ब्रह्मास्मि याने मैं ब्रह्म हूं, बाद में क्या होगा, तू भी ब्रह्म है, तू वही होगा जो मैं हूं। वैसे ये सूर्य है तो ये अहम ब्रह्मास्मि है तो वो तत्वमसी ही हो सकती है, इसलिए वो तप सूर्या हो गई। ऐसे मीरा भाई जिन्होंने आज मेरे मुख से 450 आइम्बिल के लिए आज 382 बार पचकान लिया है, आपका तपस्या ऐसे ही चलता रहे वे। तपस्या करता करता हो को जोर बजायो, ऐसे तपस्वी रत्न को खुशबू बनाता। जितने हमारी कोमल बहन के साथ जितने लोगों ने इस जन्मदिन पर विशेष पुरस्कार लाने के लिए 2 महीने से प्रयत्न करके बहुत सारे पुरस्कारों से पूरा एक हॉल भर दिया, उन सभी भाइयों को और उपस्थित धर्म प्रेमी जिसको कृष्णगिरी नाम से प्रेम है उन सभी प्रेमियों को मैं वंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपका जीवन ऐसे ही सफल होता रहे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र भनवावली मंडिताय समौ शरण लक्ष्मी शोभिताय धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय दिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमात्मने चित्ताय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसद्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती ृत्यमाणिक्यमाणाज्योतिर्ज्वालाकरालाद्भुतं कृकाकृत्यपादारविन्दं
परे रक्ष माम देवी पद्मा भिक्ता पाताल मूलम चल चल चलते व्याव लीला कराले विद्युत दंड प्रचंड प्रवण रहते सत्य जयतो जयंते दैत्येन्द्र क्रूर दंष्टाम कट कट करते स्पष्ट भीमा कहा से माया जीवंत माला गगरित गगने रक्ष माम देवी पद्मे कुजत गोदंड गांडोत मर विकृत क्रूर गोरो प्रसर्तम दिग्दम भद्रा तपतन मरगुण मणि रदन किंकनी कान रम्यम भास्वत वैडूर्य दंडम मदन विजयनो विप्रति पार्श्वभक्तो सा देवी पद्मा स्थापिकदयत महाडामरम मामकीनम भृंगी काली कराली परचरलैते चंडी चामुंडी नित्य चामचिन चुंचुम जनाते क्षत्रि पुरुगे है गिरि महामंत्र पत्यम ओम प्रेम प्रेम भक्त संग प्रकुटी पुनर्तंत्राची दोदाम दैत्य चामचिन चुंचुम प्रचंडे स्तुति सत मुकुरे रक्षमाम देवी पद्मे चंचत्कान ची कलापे समत विलतता रहरा बलि के प्रफुल नत पारिजात ध्रुम कसुम महामंत्र विभूति बावे राम रेम क्लीम लेंच में ते भुवन पचकरी छोबिनी प्रामनिपन आम इम ओम पद्मास्ते पुरुगुर कटने रक्षमाम देवी पद्मे लीला प्यालोलिंगी उत्पलोलने शोक हरिणी दारिद्र निन्ना शरीर आल व्याघ्र रावण
आपके घर की सुख शांति के लिए आपके लिए विशेष आपके स्थान के क्षेत्र देवता वास्तु देवताओं को प्रसन्न कर रहा हूँ अपनी साधना के बल से। आप हाथ जोड़िए। ओम नमो वास्तु प्रजाये क्षेत्र निवासिने ये कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ क्षेत्र निवासीनां सर्वेषां अत्र उपस्थित भक्तानां गृहस्थानां श्रावक श्राविका साधु साध्व्यादि चतुर्विध संघवर्गाणां सुख शांति हे तवे सर्व संप्रति हे तवे मंगलमाला निमित्तं सर्व कल्याण हे तवे ओम भूर्भुवस्वः वं वं त्रैलोक्य स्थितीनां सर्वशक्तिमतां पुण्यतराणां देवादिदेव चरणानां पूजनार्चन अर्पणादीनां प्रसन्नीभूतानां ओम वं देवासुराणां कृपा प्राप्य प्रीत्यर्थं प्रसादार्थं ग्रहाणां नक्षत्राणां मेषादिराशीनां तत्स्वामिनां कर्णयोगानां सत्प्रभाववृत्तये असत्प्रभावशान्तये अत्र उपस्थित सर्वभक्तजन्मकुण्डलीस्थित सर्वग्रहदोषनिवारणहेतवे सर्वनक्षत्रदोषनिवारणहेतवे पितृदोषकालसर्पदोष समस्तविध नानाविधदोषनिवारणद्वारा सर्वकार्यसिद्धिहेतवे ॐ भूर्भुवस्वः वं वं वास्तु पुरुषाय सर्वमङ्गलं कुरु सर्वकार्याणि साधय साधय सर्वविघ्नं नाशय नाशय सर्वा सर्वसंकटानि चूरय चूरय सर्वं जयं सर्वत्र जयं सर्वमंगलजयं सर्वकार्यजयं धनजयं दान्यजयं शुभजयं सौभाग्यजयं ऋद्धिजयं सिद्धिजयं सर्वजयं गुरु गुरु ॐ नमो भगवते वास्तु पुरुषाय स्वाहा। एक बार मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊंचा करो। जो मारवाड़ी में कहते हैं हम लोग बीकानेर से आए, हमारा सब तो मारवाड़ी है, वो राजस्थानी जानते हैं। हमारे यहाँ जो हाथ ऊंचा करता है ना उसको देवालिया बोलते हैं, और जो यहाँ हाथ तो ऊंचा करेंगे उनको जिंदगी में गली में जाके कभी हाथ ऊंचा करने का नौबत नहीं आएगा। जोर से एक बार ताली बजाओ बोलते हैं कैसे करते। बोल साथियों दरबार की, इस विशेष अवसर पर मैं पारस चैनल को भी खूब खूब साधुवाद देता हूँ। जो बच्चे बड़े प्यार से यहाँ कार्यक्रम में सेवा करने आते हैं, ऐसे बच्चों का जिनका शादी नहीं हुआ तो जल्दी हो जाए, जिनको शादी हुआ तो पुत्र हो जाए, अगर हो गए तो स्कूल में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया तो कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया तो दुकान धंधे में फायदा हो जाए, और जितने यहाँ कैमरा मैन बन के पड़े हैं जल्दी अपने चैनल के मालिक हो जाए, ऐसे आशीर्वाद देते हुए आकाश भाई सुनेंगे तो नाराज होंगे कि सबको ये मालिक बना के भेज रहे हैं। लेकिन आकाश भाई हमारे भक्तामर में हमारे मानकुंड आचार्य कहते हैं वही श्रेष्ठ आदमी है जो अपने पास आने वाले सेवक को भी मालिक बनाने का भाव रखता है। इसीलिए ये भाव बाता हूँ कि आप सबको बढ़ो। अभी हमारे गुरु भगवंत मैं चाहता हूँ आज उनके मुख से आप सब सुमंगल वाणी मंगलिक सुन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार बढ़िया से हाथ जोड़ के, अभी इतनी जल्दी अभी इतनी देर रुके, एक मिनट हाथ जोड़ के खड़े रहो। प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब सभी मंगल पाठ श्रवण करेंगे। कार्यक्रम की समापन पर ये मंगल पाठ विनय मुनि जी महाराज तो माइक ले, माइक ले हाथ में। अमृत इंडिया पत्रिका के संपादक श्री अमृत जी साजे ने जो 50वीं स्वर्ण जयंती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा विशेष अंक जो गुरुदेव के लिए निकाला है,
उसका विमोचन करेंगे हमारे परम पूजनीय गुरु भगवंत, इसका विमोचन करेंगे गुरु भगवंत की निशा में, गुरु भगवंत के करकमलों से। जयति शासन सतगुरु में तेरी पर। सभी गुरु भक्तों को मेरा हार्दिक निवेदन एवं सूचना कि आज का कार्यक्रम ठीक 7 बजे चालू हो जाएगा, आप ठीक समय पर पधार जाएं, फिर आपको जगह न मिले करके आपको किसी प्रकार का पछताना ना पड़े, तो आप ठीक समय 7 बजे ठीक कार्यक्रम चालू हो जाएगा ओपन ग्राउंड पे, बड़े मंदिर के पीछे जहाँ कुबेर भगवान विराजित है उधर वहाँ ओपन ग्राउंड में 7 बजे से ठीक प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सभी गुरु भक्त समय पर पधार जाएं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सभी भक्तगण ध्यान दें, अमृत इंडिया दैनिक पत्रिका है, कोई पाक्षिक नहीं है, दैनिक पत्रिका है और पूरा पेपर ही गुरुदेव के नाम से, क्योंकि परम भक्त गुरुदेव के परम भक्त अमृतराज सचाजेल जो कि गुरुदेव के चरणों के परम भक्त हैं, और उन्होंने पूरी गुरु के प्रति अपनी समर्पित श्रद्धा को समर्पण किया। सभी अलग अलग नगरों से शहरों से जो भी बस लेकर के पधारे हैं उन श्रद्धालुओं को हमारे शक्तिपीठ तीर्थधाम की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बोले सतगुरु भैया की आई ओ आज जुड़े देखो उनका समय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सर्वसहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परम हवई मंगलम। ओम परमेष्ठ नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम भद्र पंद्रहंसुराम्यहम। ओम नमो अरहंताणम श्रीस्कम श्रीसिद्धम। ओम नमो सर्वसिद्धाणम मुखे मुकुरम। ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षा दिशाइनी। ओम नमो वज्रयाणम आयुतम अस्तुरीडम। ओम नमो लोये सर्व सावणम मोचके पादय सुखे सो पंच नमोकारो शिला वज्रमय तले सब पापनासनो वक्र वज्रमयो वही मंगलानंच सबके सिंह खातिरंगार गातिका स्वाहां तंज पदम गेयम पड़म हवई मंगलम वप्रोपरि वज्रमयम विधानम देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षे शत्रुपत्र नाशिनी परमेष्टिपदोद्भूता कथिता पुरुषरिभि यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टिपदे सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राजिश्चापि कदाचन वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्तं विसहर विसृन्नासं मंगलकल्याण आवासं विसहर पुलिंगवन्तं कंठे धारी जोषयामणवो तस्सगह रोगमारी दुःखजरा जन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्यपणामो विवो फलो वै नरतिर्ये सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोऽग्गम तुव समत्ते लद्धे चिंतामणि कपवाय वभये पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरमठाणं ये सन्तो महायसाय भक्तिभर्निप्रेण्येण तादेव दित्यभोयिं भवे भवे पाश्चिनचन्द भवे भवे पाश्चिनचन्द। ओं ह्रीं श्रीं नमोण सुर सुर गरुलभुयक् परिवन्दिये गये क्लेशे हरिये सिद्धे आयुर्वध्याय सप्तसाहुणम मंगल पाठ सुनाया जा रहा है। उससे पहले एक 3 बार सिर्फ आप ये नौपद का जाप जो 15 यंत्र के द्वारा आप भी ये अवश्य में करने का ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा इसे समझें, ये बीच की अंगुली पर शुरू करने का। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो नाणस, नमो दंसनस, नमो चारितस, नमो तवस, नमो हरि हंताणम, नमो सिद्धाणम।
धानम नमो आय प्रियाणम नमो वक्षायाणम नमो लोए सवसाहुण नमो नानस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो नानस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतोदमो मंगलम चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणतो धम्मो लघुत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा ए चार शरण दुख हरण जगत में ओरन शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका अजर अमर पद होगा अंगुष्ठे अमृत लब्धि तणामंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की बोलो साक्षी दरबार की जय। एक बार वापस हाथ ऊंचा करो जोर से एक ताली बजाओ। खास कहना भूल गया हमारे उमेश भाई दीर्घायु रहो निरोगी रहो खूब जन हर बार जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा पर आके खूब सेवा देते हैं ऐसे उमेश भाई पूरी पार्टी मेरे से पली फूली बड़ी हुई है बच्चे जो चड्डी पहन के आते थे इनको पैंट मैंने पहनवाया है तो ये बच्चे खूब आगे बढ़े खास करके हमारे भूल गया था कहने अभी इस तरफ दृष्टि गई तब याद आया कि किसी का उपकार भूल जाए तो फिर रोटी में नमक कम मिलेगी शास्त्र में सुना इसलिए अश्विन गुरु जी को भी खूब खूब इस जन्मदिन पर धन्यवाद देता हूँ कि जब भी काम पड़े बराबर पहुंचे खास करके हमारे विपिन भाई पोरवाल बहुत छोटे थे आके कृष्णगिरी वाली पद्मावती मैया भग भग कर दे दया दिया कि आज उनका गला किसी भी बड़े फिल्म संगीतकार से कम नहीं है ऐसे विपिन भाई आज पहुंचे हैं जरूर आपको अब कृष्णगिरी में बुलावा आएगा माँ बुलाएगी और आगे आपको और भी डबल प्रमोशन मिलेगा ऐसे जितने भी यहाँ खड़े हैं हमारे सहयोगी गण संगीतकार उनको भी धन्यवाद देता हूँ खूब खूब आशीर्वाद ये इतना भूल गया था तीनों का भूलना इसलिए वापस मैंने माइक पकड़ा नहीं तो पकड़ता नहीं और इनके लिए भी एक बार आप जोर से ताली बजाओगे ऐसे निवेदन आप सभी यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं सभी ये बोलना है हे गुरुदेव आप स्वस्थ रहें दीर्घायु हो शतायु हो और जैसे आपकी स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं ऐसे ही शताब्दी महोत्सव के साक्षी बने बोलिए सतगुरु भगवान की आइए गुरु भक्ति से 2 मिनट के लिए
सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, सतगुरु गोर हटो चढ़ती जावे चढ़ती जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, सतगुरु गोर तेरी बड़ी मुश्किल के बीच मिलिया मैं तेरा गवारा है सतगुरु तेरा गवारा है बड़ी मुश्किल के बीच मिलिया मैं तेरा गवारा है सतगुरु तेरा गवारा है सतगुरु वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।